तो उसको निकाल के फिर क्या करना है आपने बोला? 10 मिनट के अंदर ऐसी रिलेटिव चेंज हुई। हाँ हाँ हम लोग जा रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, तो उसके पहले हम लोग ने अपनी गाड़ी घर से निकाली और यहाँ पे फास्ट चार्जिंग पॉइंट पे आए और हम फास्ट चार्ज करेंगे पूरा गाड़ी 100%। उसके बाद हम लोग निकलेंगे, बट उसके पहले बहुत जनों को ये जानना था कि ऐप में से चार्जिंग ऑन कैसे होता है, तो हम लोग यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा देंगे आपको कि ऐप से चार्जिंग कैसे आप ऑन कर सकते हो, और उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितना आपको कॉस्ट पड़ेगा चार्जिंग का, फुल 100% कॉस्ट। तो आगे कंटिन्यू करते हैं और आपको आगे मिलते हैं। तो बहुत लोगों को एक ये चीज जाननी थी कि जब आप गाड़ी चार्ज पे लगाते हो और आपका एसी ऑन होता है कि नहीं। तो अभी हमने गाड़ी चार्ज पे लगा दी है और गाड़ी के अंदर आके बैठ के हम लोग ने एसी चालू कर दिया है, बट इसमें एक ये चीज है कि आप जब भी एसी चालू करते हो तो उसमें आपका जो एसी का ब्लोअर है वो ऑन हो जाएगा, बट उतना कूलिंग नहीं देता है। ऑफ कोर्स जो गर्मी बाहर है और अंदर कार के अंदर आपने एसी चालू कर दिया तो आपको ऐसा नहीं कि कार के अंदर गर्मी लगेगा, ठंडा हो जाएगा, अच्छा फील होगा। सो वी आर स्टार्टिंग आवर जर्नी एट 96%। आई एम रीसेटिंग द ट्रिप मीटर। Hello and welcome to our vlog. We hope you all are doing well. So first of all, we would like to thank you all for such a great response on our very first vlog. We have already touched 2.6 lakhs views. और अभी और ज्यादा जाएंगे, ऑफ कोर्स आपका सपोर्ट रहेगा तो हम लोग और ज्यादा बढ़ेंगे आगे। कीप सपोर्टिंग अस, हम लोग ऐसे ट्रिप्स करते रहेंगे। हम लोग गोवा जा रहे हैं फिर से, वी हैव अ होली इवेंट अलोंग विद सिद्धू मूसेवाला, वी आर सुपर एक्साइटेड फॉर दिस वन। थे संगम पे, बट देन हमने डिस्कस किया कि ये वाले ट्रिप में कुछ अलग करते हैं और किसी और जगह पे चार्जिंग करते हैं, संगम पे और कोल्हापुर में फुल करने की जगह पे। तो आइए जानते हैं वो हमने प्लान क्या किया था। अभी हम हाईवे पे बैठे हैं लेकिन गाड़ी में शूट कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा ज्यादा नॉइस है बाहर। तो विकी अपडेट करेगा इस बार के गोवा के ट्रिप में क्या अलग हो रहा है। तो यहाँ पे अभी हम आए हैं साई इंटरनेशनल और यहाँ पे चार्ज करेंगे फुल 100%, उसके बाद हम लोग जाएंगे डायरेक्ट गोवा। हमने ये कैसे किया, सो हमने यहाँ तक थोड़ा सा एसी ऑन करके स्पीड मेंटेन करके हम यहाँ तक ड्रैग करके आ गए। इसको अभी फुल चार्ज करके हम ट्राई कर रहे हैं गोवा। गोवा में भी इस बार पंजिम जा रहे हैं, विच इज अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेच, अराउंड 220 किलोमीटर या 230 किलोमीटर होगा। थोड़ी देर में आपको टेक्स्ट में आ जाएगा नीचे कितना एग्जैक्ट किलोमीटर है। तो हम लोग वो पूरा ट्रिप करने का देख रहे हैं, लेट्स सी होता है कि, क्योंकि डाउनहिल है वगैरह लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमको अच्छा माइलेज मिल गया था, तो इस बार हम थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहे हैं पंजिम तक जाके देखते हैं। अगर होता है तो इट विल बी अ गुड थिंग क्योंकि ये सेंट्रल लोकेशन है, आपको कोल्हापुर में सेकेंड टाइम रिचार्ज जो हम टॉप अप कर रहे थे वो करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। विदाउट डूइंग दैट टॉप अप वी कैन रीच गोवा। एंड एक्चुअली इस बार वापस से ट्राई करेंगे एसी कम यूज करें, स्पीड थोड़ा मेंटेन रखे, देखते हैं कितने घंटे में हमने ये जर्नी कम्प्लीट किया, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्योंकि आई थिंक इस बार हम लोग थोड़ा फास्ट जाएंगे क्योंकि एक ही बार में चार्ज करके निकल रहे हैं। विल कीप यू अपडेटेड। तो जैसे कि लास्ट टाइम हम गोवा गए थे उस टाइम पे हमने एसी यूज किया था तो गर्मी बहुत ज्यादा था। हम लोग अभी जो ट्रैवल कर रहे हैं वो रात का टाइम है तो आई डोंट थिंक कि हम एसी यूज करेंगे इसमें, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। पहले तो किया हुआ है हमने, आसानी से पहुंच गए हम लोग, बट इस बार हम जा रहे हैं पंजिम जो लास्ट टाइम के लोकेशन से थोड़ा दूर है, लेट्स सी हो जाएगा। A few moments later. तो अभी एक गाड़ी में एक इशू हो गया है, हमने गाड़ी फुल चार्ज किया है अभी और गाड़ी पे जो स्क्रीन है उस पे मैसेज शो कर रहा है क्रिटिकल अलर्ट। तो अभी सुखी टाटा को कॉल कर रहा है और उनको फाइंड आउट कर रहा है कि ये प्रॉब्लम क्या है। मैं इधर कोल्हापुर हाईवे पे हूँ और यहाँ पे एक्चुअली अभी गाड़ी 100% मैंने चार्ज किया है, गाड़ी ऑन करने पे मेरे को वो दिखा रहा है क्रिटिकल एरर, प्लीज कॉन्टेक्ट सर्विस सेंटर। गाड़ी चालू नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा आगे। क्रिटिकल एरर का इशू हो रहा है। हाँ जी सर, ये जो आपके डैशबोर्ड में कुछ रेड कलर का सिंबल ब्लिंक हो रहा है। हाँ हाँ नीचे आता है और वो बीप मार रहा है। ठीक है सर, जी आप एक कीजिएगा, जो
आपका जो ऑब्जर्वरी बैटरी होता है ना सर, ऑब्जर्वरी बैटरी का सर नेगेटिव टर्मिनल निकाल के 10 मिनट के लिए रख दीजिएगा, उसके बाद दोबारा ला के उसको ट्राई कीजिएगा, स्पैनर से निकालिएगा। ओके ठीक है, मैं देख लेता हूँ, आप होल्ड कीजिए पहले, मैं इसका तो अभी उन्होंने जैसा बोला कि बैटरी का कुछ तो भी इशू है, तो हम लोग अभी वो चेक करेंगे क्या है और आपको अपडेट करते हैं। जो रेड वाला नहीं दूसरा वाला निकालना है, तो उसको निकाल के फिर क्या करना है आपने बोला? अच्छा ठीक है। सो जैसे कि टाटा वालों ने बोला था कि गाड़ी के बूट में एक स्पैनर पड़ा है, उससे आप बैटरी डीएक्टिवेट कर दीजिए और 10 मिनट के बाद फिर से एक्टिवेट करना, तो प्रॉब्लम हट जाएगा। तो अभी सुखी ये कर रहा है, तो आपको अपडेट करते हैं कि क्या होता है आगे। सुखी ने ये बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया है, तो जैसे टाटा ने बोला था कि नेगेटिव को डिस्कनेक्ट करके रख दीजिए फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट के बाद देखते हैं गाड़ी चालू होती है कि नहीं। तो अभी हम फिर से ये कनेक्ट कर रहे हैं, अभी कनेक्ट करने के बाद गाड़ी चालू करके देखते हैं गाड़ी चालू होती है कि नहीं। ओके तो अभी हमने बैटरी तो कनेक्ट कर दी है वापस 10 मिनट के बाद जैसे सर्विस सेंटर वालों ने बोला है, तो देखते हैं चालू हो रहा है कि नहीं। अभी लेट्स गो यस फाइनली इट हैज स्टार्टेड, इट्स शिफ्टिंग टू डी, यस इट इज Awesome. Wow, so finally, गाड़ी चालू हो गई है। तो अभी एक चीज जो टाटा ने बताई थी, जो टूल है स्पैनल, वो कहाँ से निकालनी है वो तो हमको भी नहीं पता थी, तो अभी आपको बताएंगे कि ये स्पैनल कहाँ से निकला। राइट right. उन्होंने भी हमको 2-3 लोकेशन बोला है, तो उसमें से एक में मिला है, विच दे हैव इन्फॉर्म्ड अस ऑन कॉल। सिंस आप लोग देख रहे हो तो आपको भी बताई देते कहाँ से मिला है ये। दिस वॉज केप्ट हियर, ये लोकेशन है स्पैनल का, स्टेपनी के किट में जो जैक वगैरह होता है उसके साथ में इट इज केप्ट। सो वी हैड नो क्लू अबाउट इट, हमने सोचा अगर आप लोगों को पता हो सकता है कि आपको पता है, अगर नहीं पता होगा तो आपको बता देते हैं। वी कंटिन्यूड आवर जर्नी, बट एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि टाटा इन ऑल दिस सिचुएशन वॉज वेरी हेल्पफुल, एंड नॉट ओनली दैट उन्होंने हमको 2-3 बार कॉल बैक भी किया, स्पेशली 1 घंटे के बाद में उनका वापस हमें कॉल आया जब हम रोड पे थे टू चेक आउट के गाड़ी ठीक ठाक चल रही है, कुछ इशू आ रहा है, तो वो हमारे लिए रोड साइड असिस्टेंस भी भेज देंगे। अभी हम आम्बोली पहुंच गए हैं, तो और इफ यू सी इट शोइंग 60 किलोमीटर का रेंज है एंड 84 हमें जाना है पंजिम के लिए। बट एज यू हैव सीन पहले व्लॉग में के रीजनरेशन वर्क्स वेरी इफेक्टिवली इन घाट्स व्हेन यू गो डाउनहिल, जब हम घाट उतरते हैं बहुत ज़्यादा रीजनरेशन आता है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग के थोड़ा सा 5% तक तो एटलीस्ट हम रीजन मार लेंगे, बैटरी रिचार्ज कर लेंगे ब्रेकिंग एंड सिंगल पेडल ड्राइविंग की मदद से। तो देखते हैं कितना रीजन होता है, नीचे उतर के हम आपको अपडेट देते हैं। हमको मिला ऑलमोस्ट 5% का रीजन एज एक्सपेक्टेड। एक चीज जो हमने बिल्कुल भी प्लान नहीं की थी वो था कि हम एकदम टोटल ड्रेन आउट पे पहुंचेंगे, विच वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस, क्योंकि अब तक हमारे बैटरी 5% के बिलो हमने कभी गाड़ी पहुंचाई नहीं थी। इस बार हम लोग ऑलमोस्ट 7-6% पे टच कर चुके थे जब हमने गोवा एंटर किया था, लाइक गोवा सिटी पंजिम सिटी के पास में पहुंच रहे थे, एंड वी हैड टू गो अनदर गुड 10-12 किलोमीटर आगे, एंड वी रीच्ड लिटरली with 1% battery. This was like a drain out test which we did not plan at all. Epic adventure happened right now. We reached our destination with just 1% battery left. Yeah, ek real drain test ho gaya hai car ka aaj. So we reached our destination in Panjim, like inside of Panjim, and we got only 1% battery left with the car beeping. We did 244 kilometers to 1%, so we know ke एक्चुअल क्या माइलेज हमें मिल सकता है अभी इन एटलीस्ट ऑन द पुणे गोवा रूट। सो बहुत ही एडवेंचरस ट्रिप के बाद हमने फाइनली होटल चेक इन कर लिया है, तो अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद कल हमारा सुबह सुबह गिग है, जैसे कि आपको पहले बताया था सिद्धू मूसे वाला के साथ में हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं उनके साथ में लाइव, तो अभी सोते हैं, आपको कल मिलते हैं।